सब्सक्राइब करो आ चैनल ले। अल्लाह भाई घना दिवस तो गलियों खेलवा हुई वो मजा आई। हाँ हाँ अच्छी बात चीज़ हाँ यार। ये तो हिंदुस्तान की बोट है। मोहम्मद सलीम। जी जनाब। दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान के हलाल होने के लिए खुद बखुद हमारे पाकिस्तान की सरहद में घुस चुके हैं। चलो चलो उनको सबक सिखाते हैं। जी जनाब। जी जनाब। चल जी। बॉर्डर पर निया एक जगह एवी से जहाँ मिलिट्री 2-3 किलोमीटर आगे हो से। हाँ मेरे भाई बात तो सही बोल रहे हो। यहाँ से पाकिस्तान जाना हमारे लिए बहुत ही आसान है। पर हुसैन भाई आ तार मा बिजली नो करंट पर हो से। आप चिंता मत करो, अल्लाह के फजलो करम से उसका भी इलाज हमारे पास है। सब बड़ी ने चोचे आई आई चलो रुक जाओ। अरे हाँ अरे वो देखो पुलिस आ रही है। अरे पुलिस आशु भाई चलो विक्रम पुलिस आशु पकड़ो। लागे से पाकिस्तान में आ गया। हाँ, लागे छे। हिंदुस्तानियों हाथ ऊपर करो वरना गोली मार दूंगा। नाव रोको इस तरफ पकड़ो बोट रोको अपनी रुको रुको रुक जाओ गोली मार देंगे रुको रुको। सबको पकड़ो रुको रुको हिलना मत वरना गोली मार दूंगा। पकड़ लो सबको। अब तुम लोग पाकिस्तान की हिरासत में हो। साहब हमने माफ करी दो हमें यह भूलती अभी क्या चाहिए। सब लोग यही बोलते हैं अब तुम्हारा फैसला हमारी सरकार करेगी। चल बैठ जा बैठ। अब देखो हम तुम्हारी कैसी मेहमान नवाजी करते हैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि हमारे मुल्क की जासूसी करने का क्या सिला मिलता है। तुम लोग जासूस हो। हम जासूस नहीं है साहब। हिलना मत काट दूंगा। उठो बिना चुपचाप हमारे साथ चलो वरना गोली से उड़ा देंगे। हमारी छोरियों ने गोतवा माटे से ने मौत मुट्ठी में लेने निकला से अतारी छोरियों थी बीजा ने ये बीजा। अच्छा बड़े बहादुर हो। एक बार रफीक भाई के पास चलो फिर तुम्हारी बहादुरी पता चलेगी। तू रफीक का चमचा है तो मैं खुदा का बंदा हूँ। सबसे पहले इस खुदा के बंदे को ठीक करना पड़ेगा। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। दिखने में तो मैं फकीर हूँ मगर तुम्हारे जैसे कमीनों के लिए मौत की लकीर हूँ। उसे नाम है मेरा। चलो
जाओ चुपचाप। चलो 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 चलो। काम हो गया, पकड़ लिया। चल चलो 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 चलो, छोड़ दो, छोड़ दो हमने। लीजिए आपकी अमानत। अरे सिम, पकड़ लो सबको। साहब मारी बात तो समझो, अमे लोग को तो दरियो खेड़वा आवे तारे भूलती पाकिस्तानी सरहद में घुसी गया। पाकिस्तान में जासूसी करने के लिए आते हो? नहीं साहब। और पकड़े जाने पर कहते हो कि गलती से आगे, गद्दार। आखी दुनिया जाने छे के गद्दार कौन छे। कच्छनी सरहद में बे नंबर हथियारो घुसारी ने अमारा हिंदुस्तान में केटला लोग ना जीव अमे लोग लीधा छे। तो दोस्ती नो हाथ अमारा तरफ थी लंबा आवे छे, पर तमे लोग दोस्ती ना लायक नहीं। કેમ કે તમારી તાસીર છે કે જે થાળીમાં ખાવ છો એ જ થાળીમાં થૂંકો છો, અને એટલે જ આખી દુનિયા થૂ તમારા પર થૂંકે છે। तुम हिंदुस्तानियों से होता तो कुछ नहीं है, लेकिन अकड़ भरी पड़ी है। याद रखना इतना, मैंने बड़े बड़े हिंदुस्तानियों की अकड़ निकाली है और आज तेरी भी निकालूंगा। ले जाओ जेल में। छोड़ी दो अपने जवा दो, हमें कहीं नहीं करियो, भूल जावे गया, छोड़ी दो हमने। रुक जा यार, एक दो पैग मार के जाना। चलो चलो चुपचाप चलो। मेहमान आ गए, पधारो। આજે તો તમારા બધાની બહુ હારી મહેમાન ગતિ કરાવવાની છે। આ મારા ભેરુ, મારા દોસ્ત નાનિકા, આ મારી વાલી વાલી હાડી હાથે કરાવતા જોઉં છું। કોણ રોકે છે મને? એ નપાવટ, તું જમાઈ નહીં, પણ જન્મ છે જન્મ। હવે પછી જો મારી સોડીઓનું નામ પણ લીધું ને, તો તારા રાઈ રાઈ જેવા ટુકડા કરી નાખતા મને વાર નહીં લાગે। નાલાયક, મારા દોસ્તના ટુકડા કરીશ એમ? છોડી દો અમને, એકવાર હાથ તો છોડ, જમીનમાં ન દાતી દઉં તો મને કહેજે, હેટ હરામખોર। પુઠ્ઠી ભર કાવડે હાટું થઈને જાત વેચી કપાતર, પણ તને કાળિયો ઠાકોર માફ નહીં કરે। એ કાગડી, ચૂપ માર। તો રાધા નિકાહ કરવા તૈયાર છે? ના બેટા ના, અમારી વ્યાધિ કરજે માં ભલે મારી નાખે, પણ નહીં બેટા, પાકલા હારે લગન કરીને આપણી ચાહ તરફ માટી ના પડાવજે બેટા। અમારું જી થવું હોય નહી થાય, પણ અમારી આંખોની સામે તારે ક્યારે નિકાહ કરવાનું પાપ ન કરતી દીકરી, ક્યારે ન કરતી। હાથ ના મરદ, બાયલા ભાઈ માણા ઉપર હાથ ઉપાડશે, તને ખબર નથી આ ભાઈ માણા ગુજરાત છે, સાક્ષાત જગદંબા માં કાળી ચાસી ની રાણી। તું તો હું તારા જેવા હજાર ને ખતમ કરી શકું એમ છું, પારખા કરવા તો એકવાર છૂટી મેલ, આ તારા હંધા ને બહુ ભેગા ન કરું ને તો મારું નામ જીવી નહીં। હા તેરી જબાન તો બહુત લંબી હો ચુકી હૈ, કાટની પડેગી,
गद्दार, ये अपने मुल्क में खड़ा है इसलिए निर्दोषों पे जुल्म कर रहा है। अरे कुरान में भी लिखा है ऐसी शैतानियत करना पाप है। अरे खुदा भी तुझे माफ नहीं करेगा। गद्दार तो तू है और लगता है तेरे दिमाग का इलाज अब करना पड़ेगा। ये नमन देख ले, जिंदगी में पहली बार किसी ताकतवर से पाला पड़ा होगा। अरे हिंदुस्तानी हूँ हिंदुस्तानी, उसे नाम है मेरा। बच्ची को ला यहाँ। छोड़ो भी नहीं आए, छोड़ी नहीं। छोड़ी नहीं। राधा, हवे तू निकाह माटे तैयार थाई छे के नहीं? ए जो छू। ना। ए नमाला, बच्चा ने सुबंधक बना वसे। सोल। हाँ। नहीं, नहीं। छोड़ो। सोनल, नहीं, अरे पर, सोनल, सोनल, नहीं, नहीं, मैं मारी सोनल ने छोड़ी दो, मने माफ करी दो, मारी भूल थे गई, बचाओ, मैं नानी सीधी बात ने, अटलू मोटू स्वरूप आपी दी दो, हने, एने लीधे अटली मोटी होड़ी सड़ गई छे। અને રફીક મુસ્લિમ છે તો શું થઈ ગયું? ઈશ્વર અને અલ્લાહ એક જ છે। મારી સોનલને છોડી દો અને અને હું રાધાને સમજાવીશ લગ્ન કરવા માટે। મારી સોનલને છોડી દો, સોનલ આપણી દીકરી છે, તમને તમારી દીકરીની પણ દયા નથી આવતી। राधा जो सीधी रीते निकाह करवा तैयार हो तो आ लोगों पर जुलम करवानु रहवा दे। ठीक छे दोस्त, तू कह छो तो हूँ छोड़ी दऊ छु। राधा ने निकाह माटे लावानी जवाबदारी तारी, चल दिलाओ। मुबारक दोस्त। તમે કામ કરો, તમે ગમે તે રીતે બોર્ડર ક્રોસ કરી લો, હું આ લોકોને ચકમો આપીને આવું છું। હા ભાઈ, હા ભાઈ, તમારું તમારું ધ્યાન રાખજો। જય માતાજી, આવજો। ચાલો ચાલો ચાલો। અરે ક્યાં હુઆ, જીભ બંધ હો ગઈ। वो हिंदुस्तानी जासूस हमारी गिरफ्त से भाग चुका है। उसे जल्दी पकड़ लो,
सारे शहर में नाकाबंदी लगा दो, देश का चप्पा चप्पा छान मारो, वो जो भी हो लेकिन पाकिस्तान से बचकर नहीं जाना चाहिए। हाँ जी जनाब। राधा हूँ तने आ दुख में थी, हूँ घर में आवी छु, तू रफीक साथे निकाह नहीं ने तेरी जिंदगी बर्बाद ना करीश, भागी जा तो यदि हाँ तू भागी जा। ना मोटी भी हूँ भागी जाऊँ ये क्यों रीते बने, हूँ भागी जाइश तो इतना मारा ने बाबा पूछी ना जे हाल कर शे ये विचार तमारे जुम कम भी उठे छे ये ना तमने बताने एकला मुकी ने स्वार्थी बनी ने हूँ भागी जाऊँ तो तुम्हारो जीवते लाजे। राधा तू हमारा बदली चिंता ना कर, तू रफीक साथे निकाह करशे तो बा बापू जी जीवते जीवत मरी जशे, अरे तू पोता ने माफ नहीं करी शके, इतले ज कहू छू तने मारा समझे, भागी जाई हती बचावी ले पोता ने, बचावी ले भागी जाई हती। दिल पर पत्थर मुकी ने बताने मेली नहीं जाऊं छु, हां तमे तमे सौगंध आप्या इटले नहीं तो नहीं जात, नहीं अरे नहीं जाऊं। अरे भाई बहुत ज्यादा देर हो गई है, मुझे दूसरे ठिकाने भी निकाह पढ़वाने को जाना है, लड़की को जल्दी से बुलाओ। ए काजी यहीं रुको, लगता है दोनों बहनें कब से टाइम पास कर रही हैं, अब मैं खुद जाके बुला के लाता हूं। निकाह का वक्त हो गया है, राधा को बाहर निकाल। चल। जब तक राधा की बड़ी बहन जिंदा है तू राधा के साथ निकाह नहीं कर सकता, और राधा को तो तेरे चुंगल से मैंने कब का भगा दिया। राधा को भगा दिया? हाँ भगा दिया। सलीम, अब्बास, सुलेमान कहाँ मर गए? क्या हुआ? राधा यहाँ से भाग चुकी है, पकड़ लो उस बेवफा को, भागने न पाए। जाओ। चलो